नमस्ते योगीश, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है गर्भावस्था में कब्ज, एसिडिटी, जलन उससे संबंधित है कि उसको दूर कैसे करें, उसके उपाय कैसे करें। तो इसके बारे में कुछ योग क्रियाएं बताई जाएंगी आपको और कुछ आपको प्राणायाम बताए जाएंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, इतना सहयोग तो आप मेरा कर ही सकते हो। एक सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल पे कोई लोड नहीं बढ़ेगा। इतने सारी चीजें आप लोग देखते हो तो कुछ अच्छी चीजें देखो, ये सबके लिए है। योग अपने जीवन में अपनाना ये सब की सभी के लिए है, कोई फालतू की चीजें नहीं है इसमें। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, ये आप सभी देख सकते हैं। इस गर्भावस्था में मैंने कुछ योग क्रियाएं सिलेक्ट किए हैं क्योंकि नॉर्मल में तो हम बहुत सारी योग क्रियाएं हैं जो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिलेक्टेड कर सकते हैं, हम सभी नहीं कर सकते, जिससे क्योंकि कईयों पे हमारे कोर पे जोर पड़ता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि गर्भावस्था में हमारे एसिडिटी होती क्यों है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा बच्चा बढ़ने के लिए हमारे बॉडी को, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, भगवान ने जो बनाई है, ईश्वर ने, हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम को क्या कर देता है, वो बिल्कुल लूज कर देता है, लूज कर देता है, जिससे बच्चे को ग्रो करने में कोई समस्या नहीं हो। और इसमें एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो जिसकी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर है वो एकदम से लूज पड़ जाता है। लूज पड़ने की वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो भी लूज पड़ जाती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कार्य करना बिल्कुल धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपच की समस्या हो जाती है। मसल्स लूज होने की वजह से हमारा जो हमारी जो गैस बनती है वो नीचे से ऊपर आहार नली में आ जाती है। हालांकि जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी में ही अपने गैस की समस्या होती है, हमारे पित्त दोष, अम्ल सबके शरीर में होता है, सबके बनती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि होना ही है और होगी ही। तो इसके लिए हमारे मसल्स लूज होने की वजह से जो अपनी गैस है वो आहार नली में आ जाती है, जिसकी वजह से सीने में दर्द होता है, अपच होती है और वॉमिटिंग भी हो जाती है, सुई की जैसे चुभती है गले तक, यहाँ तक, और फिर ज़्यादा बनती है तो वो सिर में भी चढ़ जाती है। मेन कारण अपना यही है। दूसरा अपना ये है कि हमारा खान पान अगर सही नहीं है, हम अनिद्रा के शिकार हैं। जैसे मान लो हमारे प्रेगनेंसी में क्या होती है, हमें पूरी नींद नहीं आ पाती है, हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, को किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है और किसी को नींद नहीं आती है, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कैफीन है एक तरह से, ये नशा है चाय का, तो ये अपन यूज में लेते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे क्या बनेगी, एसिड बनेगी। चौथा, अगर पानी कम पीते हैं, पानी की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है फिर बनेगी। बाहर का खाते हैं तो उसकी वजह से भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बाहर का खाना भी अगर खाते हैं नॉर्मल सब्जी रोटी, तो उसमें भी बहुत सारे मसाले और कुछ ऐसे पदार्थ डाले होते हैं जिसकी वजह से डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो ये तो थे हमारे कारण, अब हम इसका उपाय कैसे कर सकते हैं, उपाय या सावधानी कैसे बरतें जिसकी वजह से हमें कुछ राहत मिले। सावधानी, सबसे ज़्यादा सावधानी ये, ईस्टर्न हार्मोन है वो एक नेचुरल है, उसमें हम किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो हमारा भगवान ने या ईश्वर ने बनाया है वो होके रहेगा। बाकी इसके अलावा जो हमारे कारण है एसिडिटी के, उसमें हम थोड़ा सा सुधार कैसे कर सकते हैं, सावधानी कैसे बरतें, उसमें सबसे ज़्यादा हमें चाय कॉफ़ी का उपयोग कम से कम करना है। दूसरा, खाली पेट नहीं रहना है, कुछ भी खाओ, हल्का फुल्का खाओ। सुबह पहले आपको खट्टा नहीं खाना है, रात शाम को 4 बजे के बाद आपको कुछ भी खट्टा नहीं खाना है। दही दूध लेते हैं तो आपको दोपहर के टाइम में लेना है। पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा करना है, नारियल पानी पीना है सबसे ज़्यादा। नींबू पानी एसिडिटी बनाता है तो नींबू पानी को अवॉइड करें। नेक्स्ट अपना है कि मैदा वैदा वो नहीं खाएं, और कुछ ऐसे कुछ महिलाओं की ऐसी सोच होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बहुत सारा खाना खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके अंदर का सिस्टम अच्छा है, आपका बॉडी में मतलब बच्चे को इतना सा भी आप खाते हैं और उसमें इतना ही वो बच्चे को पोषण दे पाता है, तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा खाएं। 3 टाइम नॉर्मली हम सब खाना खाते हैं,
टाइम मान के चलते हैं, लेकिन उसको आपको प्रेग्नेंट लेडी को 6 टाइम करना है। यदि आप सैलड यूज में करते हैं, 3 चपाती खाते, तो उसकी जगह 1.5 चपाती खाइए, साथ में सैलड लीजिए। सैलड नहीं ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, तो उससे भी पेट भरता है, तो आपको 2 चपाती से ज़्यादा नहीं खानी है एक साथ में, वरना पच नहीं पाता है। खाते ही तुरंत बाद आप सोए नहीं, वॉक करें हल्का फुल्का, जो भी आपका घर है, छत है, वहीं पे कर ले, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप वो कर सकते हैं। आपको बनाना भी खाना है, बनाने से भी एसिड दूर होती है। दूसरा, आपको जो 10-15 मुनक्के हैं उनको भिगो करके, बीज निकाल करके रात को आपको खाना भिगोना है, और सुबह उसका पानी पीना है, और उसको खाना भी है, गर्म पानी में भिगोना है। ये बहुत अच्छा रहता है, आपका एचबी लेवल भी बढ़ाता है, और एसिड और एपएच के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप नोटिस करेंगे, अगर बच्चे को आपने 5-7 मुनक्के ज़्यादा खिला दिए, तो उसको उसको मतलब प्रेशर हो जाता है, एकदम से वो पोटी करने लग जाता है। तो ये सिस्टम हमारे भी हो जाएगा, अगर हम 10-15 मुनक्के भिगो के खाते हैं, तो इससे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, पचा लेता है जो खाते हैं, और उससे हमें कब्ज की समस्या और गैस की समस्या भी नहीं रहती है। जो खाते हैं उसके बाद में मुंह साफ करने के लिए, माउथ फ्रेश जो होता है, उसके साथ में आपको सौंफ लेना है। अगर आपका अकेली सौंफ खाने का मन नहीं करता, तो 2 दाने मिश्री के ले सकते हैं, और बिना मिश्री के खाते तो बहुत अच्छा है, ये खाने को पचाता भी है, और मुंह जो अपना खराब रहता है उसका टेस्ट भी सही करता है। पुदीना, जब भी आपके गैस भरे, आप पुदीने की सूखी पत्तियां अगर पाउडर हैं तो वो भी पी सकते हैं, और नहीं भी है तो आप पत्तियां खा सकते हैं, उससे तुरंत राहत मिलती है। ये तो अपने थी अपने खान पान, सब कुछ सावधानियां बरतना और अपने को खान पान कैसा रखना है उससे संबंधित। अब कुछ है हमारे, क्या है दैनिक जीवन में हमें क्या अपनाना है। दैनिक जीवन में हमें कुछ अपने को जो लाइफस्टाइल है हमारी, जैसे रात को लेट तक हमें गजट्स देखना होता है, तो उससे अनिद्रा होती है, या अपने माइंड की मसल्स पे, आपको दिमाग की मसल्स पे जोर पड़ता है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की पूरी मसल्स पे जोर पड़ता है, और अनिद्रा के शिकार होते हैं, तो अंदर का काम करना या बॉडी के हर अंग, हार्मोन्स भी उससे स्लो हो जाते हैं, हार्मोन्स में भी बदलाव आता है, और बॉडी का हर सिस्टम काम करना बंद कर देता है, स्लो कर देता है। तो आपको एक तो गैजेट से दूर रहना है रात को सोते टाइम, या ऐसे भी अगर आपका काम ही ऐसा है कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप दिन में कीजिए, लेकिन सोने से पहले सिर्फ आपका सोने का समय होने चाहिए। कुछ योग क्रियाएं और प्राणायाम, अगर योग नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आप वॉक कीजिए, आपको खाने के बाद में, खाने से पहले वॉक करना, और प्राणायाम तो आप कर भी सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अपना कुछ क्या था, कारण थे योगा, एसिडिटी, गैस के, और कुछ सावधानियां हमें बरतनी है, और कुछ हमारे लाइफस्टाइल या दिनचर्या में हमें बदलाव लाना है, जो कि हमारे देर रात तक मोबाइल देखना होता है, जिसके कारण हम सो नहीं पाते हैं, सुबह लेट से उठना होता है, तो वो सब क्या होते हैं, वो हमारे अंदर के सिस्टम को पूरा सा इम्बैलेंस कर देते हैं। तो चलिए कुछ मैं आपको योग क्रियाएं बता देती हूँ। योग क्रियाओं में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में अगर नॉर्मल भी अपन खाने के बाद में बैठते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छा कर रखता है, और डाइजेस्ट भी होता है खाने के बाद में। इस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है और नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, नॉर्मल आंखें बंद करके आपसे 1 मिनट बैठा जाए, आप 1 मिनट बैठ सकते हैं, 50 सेकंड बैठा जाए या 30 सेकंड बैठ जाए, जितनी देर बैठा जाए आप, ये चीज़ें आप रात को भी कर सकते हैं खाने के बाद में, वॉक करने के बाद में, और आप सुबह भी कर सकते हैं। बराबर मात्रा में आपको सांस लेनी है और बराबर मात्रा में सांस को छोड़ना है।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, थोड़ा सा हाथों को अपनी आंखों पे फेस पे इस तरीके से टच करें। दूसरा अपना आसन है वो है, आपको डकवॉक बताया था मैंने, इस तरीके से चलना, इस तरीके से। तो आपको अगर डॉक्टर ने से एडवाइस दी है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करने करके ही करना है, तो आप ये कर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे करना, जैसे अपना इंडियन पोट होता है उसमें अपन फ्रेश होते हैं तो इसी तरीके से बैठ के होते हैं, तो उसी पोजीशन में अपने को बैठना है। ये जो अपना पैर है इसके बीच में हाथ लगाना है, दोनों हाथ। अगर इस तरीके से नहीं हो पाता है तो आपको इस तरीके से चलना है, चलना है। और जिनसे इस तरीके से हो पाता है, जो मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से हाथ ले ऐसे, और ऐसे भी चल सकते हैं। फिर इसी पोजीशन से थोड़ी देर के लिए आपको मालासन में आना है। आपको पैर सीधा कर सकते हैं, सीधा करें, टेढ़ा कर सकते हैं, आप टेढ़ा भी कर सकते हैं। और इस तरीके से कोहनी का धक्का दे करके इस तरीके से मालासन में आना है। नॉर्मल तरीके से सांसें लेते रहें। ये साधारण मनुष्य के लिए तो बहुत सारे आसन होते हैं कब्ज के लिए, लेकिन गर्भावस्था के लिए हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इससे क्या है, समस्याएं हो सकती है। कई तरह के आसन होते हैं जिससे हमारे कोर पे जोर पड़ता है या दबाव पड़ता है। आप बालासन भी कर सकते हैं, वो भी सही है। उसी से क्या होता है, हमारे जो ये मसल्स होती हैं, ये जो दबाव पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। नेक्स्ट करेंगे हम प्राणायाम, जो गैस में एसिडिटी में हमें राहत देता है, जलन हो जाती है उसमें भी हमें राहत देता है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपको कैसे बताया था कि आपको अपनी जीभ को एकदम से परख नली की तरह या आपको पाइप की तरह बनाना है, फोल्ड करके। फिर उसके जीभ के अंदर से आपको श्वास को अंदर भरना है बराबर मात्रा में, जितना आप भर सकते हैं। फिर आपको चंद्र नाड़ी, आपको क्या बनाना है, ये ऐसे वायु मुद्रा बनानी है इस तरीके से, अंगुली को करके इस तरीके से, और दाई नाक को बंद करके और बाई नाक से सांस को निकालना है। यानी कि आप अपन क्या करेंगे, जीभ को रोल करेंगे इस तरीके से, परख नली की तरह बनाएंगे जीभ को। फिर उसके पश्चात हम उसी से सांस लेंगे। सांस लेने के बाद में आपको दाई नाक को बंद करना है और बाई नाक से सांस लें। आंखें बंद करेंगे, जीभ को रोल करेंगे, ये अपना शीतली प्राणायाम हुआ। इसको आप लंबा कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रही हूँ। अब अपन करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ये दो प्राणायाम अगर आप और भी नहीं कर सकते तो आप दो प्राणायाम तो जरूर करें ही करें। इनसे तुरंत आपको राहत मिलती है, अंदर की गर्मी, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। शीतकारी प्राणायाम में आपको क्या करना है कि दोनों दांतों को मिलाना है, बंद करना है। फिर उसकी जो बीच का हिस्सा है उसके अंदर से आपको जीभ को टच करना है, दांतों के अंदर से आपको श्वास भरना है बराबर मात्रा में। नॉर्मल जब अपन होते हैं बिना प्रेगनेंसी के, तो श्वास श्वास को हमें कुंभक लगाना है। कुंभक लगाने का मतलब क्या होता है, अंदर सांस को भरना है और 5 या 10 सेकंड तक हमें सांस श्वास को क्या करना है, रोकना। श्वास को अंदर रोकते हैं तब उसको कुंभक बोलते हैं।
फिर अब अपन प्रेग्नेंट हैं तो उसको श्वास को रोकना नहीं है, आपको श्वास को जीभ के अंदर से दांतों में से भरना है। भरने के बाद में आपको बाई नाक से सांस को निकालना है दाई को बंद करके। प्रोसेस वही है जो शीतली प्राणायाम में था, बस उसमें जीभ से सांस ले रहे थे, इसमें दांतों के अंदर से सांस लेंगे। स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से करें, दोनों जबड़ों को मिलाएं, टंग को बीच में लगाना है अंदर की साइड, श्वास भरेंगे, इसके बाद हम करेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदन प्राणायाम में क्या करना है आपको, सिंपल सा है, बाई नाक से सांस लेनी है, दाई से निकालनी है, बाई से सांस लेनी है, दाई से निकालना है, बस ये आपका चंद्रवेदन प्राणायाम है। बाई से सांस लें, दाई से निकालें, वापस से बाई से सांस लें, दाई से निकालें, बाई से सांस लें, दाई से निकालें, अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। 3-4 प्राणायाम आपको डेली करने हैं जिससे आपको गैस की राहत मिलेगी। आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को आपको ऐसी महिलाओं के साथ में शेयर जरूर करें जिनके लिए बहुत ही लाभदायक है, और बाकी तो आप सभी के लिए लाभदायक है। प्राणायाम से कोई नुकसान नहीं है, प्राणायाम तो सभी करें आप लोग, योगा से सब होगा, यानी कि योगा आपकी हर चीज का इलाज है। आप पिल्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो तो हमारे हाथ में होती है, वो तो हम कब भी डॉक्टर के पास में जा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इससे हमारे बॉडी के अंदर और जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं उससे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आप पिल्स के बजाय आप योग को अपनाएं जीवन के अंदर, तो इससे आप निरोग रहेंगे। सभी से ये सुझाव है एक तरह से कि योग को अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और अपने आने वाली पीढ़ी जो आपको देखेगी वो भी इस जीवन में अपनाएगी तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।